शांति। टुडे इज मेनली डेट इज शांति। 3rd of September आज की तारीख है 2017। तीन टुडे बीइंग नौ संडे सत्रह वी विल लिसन टू और आज एन हम एयर अव्यक्त सुनेंगे बाप दादा मीठे मीठे अव्यक्त बाप अव्यक्त बाप दादा हिज मुरली की वाज फर्स्ट ज्ञान स्पोकन मुरली। ऑन तो रिवाइज 24th October 1981। कोर्स की तारीख है मिस चौबीस मुरली एज दस वी नो इज इक्यासी अव्यक्त मुरली और एंड आज ऑल अव्यक्त की मुरलीज इस ज्ञान अस्पिरेंट टू मुरली बिकम का फर्स्ट शीर्षक लकी गुलजार। सो दिस सच्चे विल बी आशिक फर्स्ट की स्पोकन निशानी। ऑलमोस्ट 36 प्रेमी इयर्स होते बैक हैं तो उसमें एक इज मासूक स्टिल और रिलेवेंट एक फॉर होता है ईच वन ऑफ आशिक। अस तो हु बाबा आर कहते पास्ट हैं मुरली कि एंड हु आर सच्चा डेस्टिन्ड सच्चा टू मिस जो मुरली। आशिक सो होता वट एवर है उसकी बाबा निशानियां क्या क्या स्पोक होती थ्रू है। मीडियम ऑफ अभी दादा शिव बाबा है, हम थर्टी सभी सिक्स इयर्स आत्माओं बैक का इज स्टिल मासूक। वैलिड तो एंड शिव इज स्टिल बाबा की हम रिलेवेंट फॉर सभी ईच वन ऑफ अस। सजनियां हैं सो एज वी आशिक। लिसन टू द तो मुरली आशिक ऑफ की टुडे निशानी वी विल यदि हम लर्न टू समझ अंडरस्टैंड लें द मुरली तो फिर वॉइस हम अपने को बट वी चेक विल कर ऑल्सो सकते हैं चेक कि फॉर मैं सेल्फ एज टू सच्ची वॉट सच्ची एक्सटेंट हैव आई आशिक बिकम। हूं। हैज तो आइए दादा सुनते वॉन्टेड हैं मी टू कि बिकम बाप दादा ट्वेंटी आशिक फोर्थ ऑफ की अक्टूबर निशानियां 1981 व्हेन यानी बाप उनके दादा फर्स्ट लक्षण स्पोक दिस क्या मुरली क्या हम बच्चों को सो दैट सुनाते हैं। वेरेवर नीडेड तो बाप वी दादा कहते ओन हैं सेल्फ कि मेक आज आवर सेल्फ बाप बेटर कहाँ एंड आए बेटर। हैं दिस इज वॉट और बाप किन्हों दादा से ऑल्सो मिलने आए वॉन्ट्स हैं? अस टू डू एंड दिस इज जानते द हो रीजन वाई बाप किस दादा रूप कम्स टू द से फार अवे विशेष लैंड मिलने टू आए टीच हैं? वी चिल्ड्रन हाँ, परमपिता वैल्यू ऑफ परमात्मा पॉइंट्स से फ्रॉम हमारे सर्व द संबंध डिवाइन हैं। तो नॉलेज बाबा कहते ऑफ हैं कि आज नोइंग। बाप सो इट इज विद बच्चों दिस के स्पिरिट साथ दैट वी विल किस लिसन टू द रूप मुरली से ऑफ मिलने टुडे के लिए आए एंड हैं। कीप जैसे रिमेंबरिंग बाप का अवर रूप सेल्फ। वैसे सो बच्चों का ऑन दिस रूप। नोट तो लेट अस आज लिसन किस टू रूप वॉट से गॉड टॉट बाप अस मिलने थ्रू आए हैं बाप ये दादा जानते इन हो? दिस हेडिंग ऑफ लोगों ने टुडेज ये जो मैसेज गलती इज कर दी द है साइंस कि ऑफ अ ट्रू परमात्मा लव। के सो टुडेज बाप अनेक दादा इज रूप गोइंग टू हैं। स्पीक ऑन अब ये दिस गलती टॉपिक द है व साइंस राइट ऑफ अ है। ट्रू लवर। तो इस सो समय बाप दादा मस्ट बाप लाइक अनेक टू गिव संबंधों अस के अनेक द साइंस रूपों ऑफ अ से ट्रू मिलते लवर हैं। एंड देन व्हेन वी जो हियर बच्चा दिस जिस भी रूप साइंस से वी मे बाबा से नॉट द जुड़ना सेम नाउ चाहे एंड वो जुड़ ऑल्सो सकता चेक है एज और टू फिर बाप वाई भी बिकम उनको एज बाप उस दादा ही व्हेन वी संबंध हियर के द रूप साइंस। से सो द मिलते क्वेश्चन भी हैं। स्टार्ट्स नाउ। तो एक बाप दादा के बिगेन्स अनेक बाय आस्किंग रूप डू यू नो वेयर संबंध हैज के योर ब्रदर आधार कम से टुडे वह एंड कर्तव्य के आधार हैज से ही कम टू मी। प्रैक्टिकल में है ना। सो बाप तो दादा भक्त मस्ट भी तो यू राइट है चिल्ड्रन ना। इन द आज बिगिनिंग ऑफ किस द रूप मुरली अ में वेरी इंपॉर्टेंट बाप क्वेश्चन मिलने आए एंड द हैं रीजन इज और एज फिर सिंपल कहाँ एज मिल दिस रहे दैट हैं? वी थिंक बाप तो बाप आए आर हैं रूप सेम बदल कर एंड इन मिलने, आंसर टू लेकिन सेल्फ कहाँ मिल रहे हैं? बाबा बिगेन आज बाय की आस्किंग मुरली डू यू में नो वेयर द सवेरे फादर हैज कम वह टुडे संबंध एंड हु सुना भी है। हैज तो ही कम बाप टू कौन मीट हुआ और इन विच आप कौन फॉर्म हुए? हैज ही एस्पेशली आज कम टू मीट मी रूहानी मासूक, एज इज द फॉर्म ऑफ द रूहानी फादर आशिकों सो से इज द फॉर्म ऑफ मिलन अ चाइल्ड। मनाने आए हैं। बाप दादा इज हाँ, बाबा ने आस्किंग क्लियर किया देयरफॉर डू कि यू आज नो मैं इन विच किस रूप फॉर्म से द तुम फादर हैज सभी कम को टू मीट मिलने देम यहाँ ऑल। आया हूँ। कहाँ मिलने आए इज इट अ हैं? मिस्टेक फॉर पीपल सबसे टू ज्यादा से मिलने दैट का प्रिय गॉड हैज मेड स्थान प्रॉमिस कौन सा और है? इज इट राइट। रूहानी बाप दादा माशुक, सेज आप एट दिस आशिकों टाइम के द फादर आदि के मीट्स यू इन समय मेनी में कहाँ रिलेशनशिप्स पर ले एंड मेनी जाते थे? फॉर्म्स। याद है ना? बाप दादा सेज बाबा सो कहते ऑन द हैं बेसिस जब ऑफ इस हिज मेनी यज्ञ की फॉर्म्स शुरुआत एंड द हुई तो रिलेशनशिप्स आप यू हैव बच्चों विद वन को बाबा फ्रेज इज कहाँ पर राइट इज इट ले नॉट। जाते थे? याद है ना? सो द तो वन कोई ने हैज जवाब मेनी दिया फॉर्म्स कि सागर पर। प्रैक्टिकली ऑन द बेसिस हाँ, ऑफ हिज सागर के कंठे पर लेके रिलेशनशिप और जाते थे। टास्क्स। तो आज सो भी द सर्व डिवोटीज आर राइट खजानों आर और दे गुणों नॉट। से इन संपन्न विच फॉर्म सागर हैज द के फादर कंठे पर, कम टुडे टू साथ मीट यू। में वेयर ऊंची इज ही स्थिति मीटिंग यू। की यू हर्ड पहाड़ी ऑफ पर। दैट हाँ, रिलेशनशिप बाबा इन देखो टुडेज कितनी अच्छी मुरली। अच्छी बातें बताते हैं कि सो सर्व ऑन दैट डे खजानों के मुरली गुणों वॉज से सेड स्पोकन संपन्न इन द सागर के मॉर्निंग। कंठे सो पर, बाप दादा फिर इज साथ रेफरिंग टू में दैट मुरली विच ऊंची वॉज स्थिति स्पोकन की इन पहाड़ी द पर, मॉर्निंग बिकॉज नॉर्मली बाप दादा शीतलता कम्स की इन द चांदनी इवनिंग। में। सो बाबा सेड रूहानी यू हर्ड ऑफ दैट माशुक रिलेशनशिप इन रूहानी टुडेज मुरली दैट आशिकों इज द से मॉर्निंग मुरली मिल ऑफ द रहे डे। हैं। सो हु सागर इज द है फादर एंड हु संपन्नता का, आर
और पहाड़ी है ऊंची स्थिति की निशानी। सदा शीतल स्वरूप है चांदनी, और फिर चांदनी शीतल स्वरूप का साथ देती है, साक्षात्कार कराती है। तीनों ही साथ में है। आज रूहानी आशिकों को देख रूहानी माशुक हर्षित हो रहे हैं। और कौन सा गीत गा रहे हैं? हाँ, जब आशिक माशुक मिलते हैं, हाँ, तो खुशी में मंगल मिलन मनाते हुए गीत गाते हैं। तो कौन सा गीत गाते हैं? हर एक अपना अपना गीत सुना रहे हैं। वैसे तो एक ही गीत सुन सकते हैं, लेकिन बाप सभी का गुण गीत सुन सकते हैं। आशिक अपना गीत गा रहे हैं और माशुक गीत का रेस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। जो भी गीत गाओ सब ठीक है, बाबा कहते जो भी गीत गाओ सब ठीक है। हर एक के स्नेह के बोल बाप स्नेह से ही सुनते हैं। बाबा कहते खात्री करो, विश्वास करो, आप जो भी स्नेह के बोल गीत के रूप में, कविता के रूप में या बोल बोलते हो, तो बाप भी उतने ही स्नेह से सुनते हैं जितने स्नेह से हम बाबा को सुनाते हैं। आशिकों को माशुक याद करना तो सहज है ना? हाँ, हर एक कोई संबंध में बाबा को याद रखना अच्छा लगता है। सहज और निरंतर याद का संबंध और स्वरूप ये रूहानी आशिक और माशुक का है। बाबा कहते हैं सहज याद और निरंतर याद, और फिर याद भी संबंध के आधार पर याद और स्वरूप उसका, जिस भी रूप में संबंध के रूप में याद करें उस समय वह स्वरूप, तो ये रूहानी आशुक और माशुक का है। याद करना नहीं पड़ता, लेकिन याद भुलाते भी भूल नहीं सकती। हाँ, बाबा कहते तुम बच्चों का इतना प्यार है कि बाप को तुम्हें याद करना नहीं पड़ता, स्वतः ही याद आती है। परंतु याद भी ऐसी आती है जो बाबा कहते हैं कि भुलाते भी भूल नहीं सकते, चाहे भी भुलाना तो भी हम भूल नहीं सकते। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि आज हर एक आशिक के स्नेह को देख क्या देखा, आशिक अनेक और माशुक एक, लेकिन अनेक अनुभव यही कहते हैं कि मेरा माशुक, हाँ, जो भी हम बाबा के साथ स्नेह करने वाली आत्माएं हैं, हम कहते हैं मेरा माशुक, यानी बाबा मेरा ही है, क्योंकि स्नेह का सागर रूहानी माशुक है कि सागर बेहद है, बहुत बेहद में फैला हुआ है। इसलिए जितने भी जितना भी स्नेह ले सागर से, सागर अखूट है और संपन्न है। इसलिए मुझे कम तुझे ज्यादा ये बातें यहाँ नहीं होती, क्योंकि यहाँ तो जिसको जितना चाहिए वो अखूट खजाने को ले सकते हैं, लेने वाले जितना भी ले। अब हमारे ऊपर बात आई कि हम कितना लेते हैं, स्नेह के भंडार भरपूर हैं। हाँ, बाबा के पास स्नेह के भंडार, बाबा कहते मेरे तो भरपूर हैं, लेने वाले लेने में नंबर वार हो जाते हैं, लेकिन देने वाला सबको नंबर वन देता है। जो भी उसका बच्चा बनता है वो उसको नंबर वन देता है। लेने वाले जो बाबा से लेते हैं, लेने वाले समाने में नंबर वार हो जाते हैं। बाबा से लेकर के फिर उसको समाना, उसमें सभी नंबर वार हो जाते हैं। कि प्यार करना सबको आता है, लेकिन तोड़ निभाने में नंबर हो जाते हैं। ये जो नंबर वार बाबा कहते हैं ना,
सभी को एक जैसा नंबर नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि प्यार तो सब करते हैं, परंतु प्यार को निभाने की जहां बात आती है, कोई बराबर निभाते, कोई कम निभाते, कोई ज्यादा निभाते, कोई प्यार भी करते निभाते भी, कोई प्यार करते निभाते ज्यादा, कोई निभाते कम और प्यार ज्यादा करते हैं। तो मेरा माशूक ये तो सब कहते हैं, लेकिन मेरा कहते भी क्या करते हैं जानते हो? क्या करते हैं आज? तो बाप दादा क्या करने आए हैं? रूरिहान करने आए हैं, मुरली चलाने नहीं आए हैं। तो बताओ क्या करते हैं? बाबा पूछ रहे हैं। मेरा भी कहते, लेकिन कभी कभी कहां फेरा भी लगा करके आते हैं। फिर फेरा लगाने के बाद जब थक जाते हैं, तब फिर कहते हैं मेरा माशूक। हाँ, पहले से ही माशूक बना करके और उसकी याद में नहीं रहते हैं, परंतु जब कोई ऐसी बातें आ जाती है, युद्ध करके पुरुषार्थ करके जब थक जाते हैं, तब कहते हैं मेरा माशूक। और कई आशिक नाज भी बहुत करते हैं। क्या नाज करते हैं? जैसे होशियारी दिखाते हैं ना बच्चे, तो बाबा कहते हैं कई आशिक भी ऐसे नाजुक बातों का नाज बहुत करते हैं। और क्या नाज करते हैं? दादी दीदी को पूछने लगे, बाबा कहते हैं नाज नखरे तो साकार में भी आपके आगे बहुत दिखाते हैं ना। वो भी बाबा ने सुनाया कि हम तो ऐसे करेंगे, हम तो ऐसे ही चलेंगे, आपका काम है हमें बदलना, तो हम तो ऐसे ही हैं। बाप की बातें बाप को सुनाने का नाज रखते हैं। हमने तो बाबा को ऐसे बोला, हमने तो ऐसे बोला, बाबा हमें ऐसा कहते हैं, तो ये भी बाबा को सुनाने का जैसे नाज रखते हैं। एक बोल तो अच्छी तरह से याद करते हैं। एक बोल बाबा कहते सबने अच्छा पक्का कर लिया है। क्या पक्का किया है? जैसी भी हो, कैसी भी हो, लेकिन मैं आपकी हूँ। माशूक भी कहते कि हो तो हमारी ही। माशूक भी सामने कहता है कि हाँ तुम हो हमारी, लेकिन जोड़ी तो ठीक बने ना। वो गुणों से, सर्व गुणों से, शक्तियों से संपन्न, सर्व खजानों से संपन्न भरपूर, और हम उनके सामने हम कहें हम तो ऐसे ही हैं, तो बाबा कहते जोड़ी कब सोखती है? जोड़ी जब समान हो तब तो जोड़ी सोगेगी ना, लेकिन जोड़ी तो ठीक बनो ना। अगर समान जोड़ी नहीं होंगी तो दृश्य देखने वाले क्या कहेंगे? अगर एक काला दूसरा गोरा, या एक ऊंचा दूसरा बहुत दिखने में छोटा, तो बाबा कहते ऐसी जोड़ी देखकर लोग क्या कहेंगे? माशूक सजा सजाया और आशिक बिन श्रृंगारी हुई शोभेगी। आशिक इतना सुंदर सजा सजाया और माशूक इतना सुंदर सजा सजाया और आशिक ऐसी सजी सजाई नहीं, तो बताओ जोड़ी शोभेगी? तो आप स्वयं ही सोचो उसके लिए क्या करें। तो वो चमकीली ड्रेस वाले और आशिक काली ड्रेस वाली, जो हमारा माशूक है बाबा, वो चमकीली ड्रेस वाला और हम काली ड्रेस वाली, वह फिर दागों वाली ड्रेस पहने हुए, क्या तो हमारे ड्रेस में बहुत सारे दाग लगे हुए हैं, तो ये अच्छा लगेगा? क्या समझते हो? फिर कहते क्या हो कि हमारे दागों को मिटाना ये तो आपका काम है, हम तो आए इसीलिए हैं कि हमारे दाग आप मिटाएं। लेकिन जब माशूक ड्रेस ही परिवर्तन कर देते हैं तो वो फिर क्यों नहीं पहनते? बाबा कहते चलो आपका दाग वाला ड्रेस या मैला ड्रेस, काला ड्रेस, लेकिन यहाँ माशूक खुद क्या करता है? आपकी पूरी ड्रेस बदलने के लिए आपको एक ड्रेस देता है।
ओपनी पहनते हो, दाग मिटाने में भी समय क्यों गवाए? बाबा कहते दाग को मिटाने में टाइम, हम अपना समय बिगाड़े नहीं। माशुक का बनना अर्थात सब का परिवर्तन होना। बाबा कहते माशुक के बने ना आप, माना आपने परिवर्तन की प्रक्रिया चालू हो गई, तो पुरानी काली अनेक दागों वाली ड्रेस की स्मृतियों को क्यों लाते हो? स्मृति में ये बातें लानी ही क्यों चाहिए, अर्थात बार बार धारण क्यों करते हो? हाँ बाबा कहते धारणा में भी वो ताकत भर लो। चमकीली ड्रेस वाले चमकते हुए श्रृंगार धारी बन माशुक के साथ चमकीली दुनिया में क्यों नहीं रहते? वहाँ कोई दाग लग नहीं सकता। यहाँ बाबा साथ रहते हैं, क्यों? कोई दाग लग न जाए। लेकिन वतन में ये भी भय नहीं, वहाँ तो बिल्कुल निश्चिंत होते हैं। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, तो हे आशिकों, हाँ बाबा कितना प्यार से कहते हैं, हे आशिकों, सदा माशुक समान संपन्न और सदा चमकीली स्वरूप में अर्थात संपूर्ण स्वरूप में स्थित हो जाओ। हाँ जोड़ी बराबर बने। माशुक को और भी एक बात की मेहनत करनी पड़ती है। जानते हो किस बात की मेहनत करनी पड़ती है? वह भी रमणीक बात है। बाबा देखो कैसे हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ाते रहते हैं। बाबा कहते हैं जो वायदा किया है माशुकों ने, आशिकों को साथ लेके जाएंगे। हाँ माशुक ने आशिकों के साथ वायदा किया है कि मैं साथ में लेके जाऊंगा, तो क्या करते हैं? माशुक है बहुत हल्का, उसका कोई वजन नहीं है, हल्का, और आशिक इतने भारी बन जाते जो माशुक को ले जाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। बाबा कहते इसीलिए हमें भी हल्का होना है, तो यह भी जोड़ी अच्छी लगेगी। माशुक कहते हैं कि हल्के बन जाओ, तो क्या करते हैं? हल्के होने का साधन जो एक्सरसाइज है वो करते ही नहीं। तो हल्के कैसे बने? रूहानी एक्सरसाइज को तो जानते हो ना, अभी अभी निराकारी, अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता और अभी अभी साकारी कर्म योगी, अभी अभी विश्व सेवाधारी। सेकंड में स्वरूप बन जाना, ये है एक्सरसाइज। बाबा कहते ये जो बार बार स्वरूप में चेंज करता हूँ, क्यों करता हूँ? क्योंकि सेकंड में हम स्वरूप बदल करके चलते हैं, तो बाबा कहते हैं कि हम जो पाना चाहते हैं वो हम पा सकते हैं। तो बाबा भी अपने आशिक बच्चों से मिलन मना सकते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं आप भी ऐसे सेकंड में स्वरूप बदल दो अपना, तो क्या होगा? ये आपकी भी एक रूहानी एक्सरसाइज हो जाएगी। और फिर कौन सा बोझ, हाँ फिर बाबा कहते कौन सा बोझ आप अपने ऊपर रखते हैं? वेस्ट की वेट बहुत है। बाबा कहते हैं व्यर्थ बातें, व्यर्थ समय, व्यर्थ करना, व्यर्थ भूलें, ये सब व्यर्थ का जो खाता है ना, उसका अपने पर वजन बोझ बहुत रखा है, इसलिए हल्के हो नहीं सकते। अब बोझ रख करके कोई चलेगा तो वो हल्कापन कैसे फील करेंगे? कोई समय के वेस्ट के वेट में है, कोई अपना समय व्यर्थ में गंवाते हैं, ये बोझ लेके घूमते हैं।
कोई व्यर्थ संकल्पों के, कोई व्यर्थ संकल्प बहुत करते हैं और बोझ लेके घूमते और कोई शक्तियों को वेस्ट करते हैं। बाबा ने जो शक्तियों का खजाना दिया है वो शक्तियां व्यर्थ जहां लगानी चाहिए वहां नहीं लगाते, जहां नहीं लगानी चाहिए वहां लगा करके बोझ बढ़ाते हैं। कोई संबंध और संपर्क में वेस्ट करते हैं, कोई संबंध संपर्क जो बाबा से रख करके सफल करना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए, उसके बजाय अन्य संबंध और संपर्क जो देह से आधारित है, फिर उसमें अपना टाइम वेस्ट करते और बोझिल बनते, अर्थात व्यर्थ बना लेते हैं, यानी नए नए संबंध व्यर्थ में जोड़ करके परेशान होते हैं। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के वेट बढ़ने के कारण माशुक के समान डबल लाइट बन नहीं सकते। सच्चे आशिक की निशानी है, शॉर्ट में बाबा ने स्वीट बात बता दी है कि माशुक के समान, जैसा माशुक वैसा आशिक, अर्थात माशुक जो है जैसा है वैसा समान बनना। तो सभी कौन हो, अभी सभी सोचो आप सभी कौन हो, आशिक तो हो ही, लेकिन माशुक के समान आशिक हो। अब ये चेकिंग करने का वक्त आ गया, अब हम चेक करें, चेक करके स्वयं को चेंज करें। समानता ही समीपता लाती है, समानता नहीं तो समीप भी नहीं हो सकते। गायन भी करते हैं कि 16,000 पटरानियां थी, 16,000 में भी तो नंबर होंगे ना, एक माशुक के इतने आशिक दिखाए तो हैं, लेकिन अर्थ नहीं समझते हैं, रूहानियत को भूल गए हैं। तो आज रूहानी माशुक आशिकों को कहते हैं, ध्यान से सुने, आज रूहानी माशुक हम सब आशिकों को कहते हैं, समान बनो अर्थात समीप बनो। या हमारे माशुक, हम आशिकों को बड़ी अच्छी मन भावन बात बताते हैं। बाबा कहते हैं, माशुक कहता है हम आशिकों को कि चांदनी में बैठे हो ना, अब ये चांदनी में बैठना क्या होता है? चांदनी में बैठना माना बाबा बताते हैं कि शीतल स्वरूप में रहना, अर्थात चांदनी में बैठना, सदा ही चांदनी रात में रहो। बाबा कहते हैं सदा शीतल रहो, माना चांदनी रात में रहो। चांदनी रात में ड्रेस भी सतह ही चमकीली हो जाएगी, चांदनी में ड्रेस जैसे चमकती है तो बाबा कहते हैं वो अपने आप चमकीली हो जाएगी, जहाँ देखेंगे वहाँ चमकते हुए दिखाई देंगे। और सदा सागर के कंठे पर रहो, बाबा कहते हैं सदा सागर के किनारे रहो, यानी सागर को ही देखो, सागर के विषय में सोचो, सागर की गहराइयों को देखो, उनकी लहरों में लहराती रहो। तो सदा सागर के कंठे पर रहो, अर्थात सदा सागर समान संपन्न स्थिति में रहो। हाँ, कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई। तो समझा क्या करना है, कहाँ रहना है? माशुक को यही किनारा प्रिय है। हाँ, माशुक को क्या प्रिय है कि आशिक बाप समान माशुक के समान बने और कंठे पर बैठे रहे। अच्छा, सदा माशुक समान, साथ में साथ और हाथ में हाथ, अर्थात स्नेही और सहयोगी, साथ अर्थात स्नेह और हाथ अर्थात सहयोग। ऐसे मेरा तो एक माशुक दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति में सदा सहज रहने वाले ऐसे सच्चे आशिकों को रूहानी माशुक का याद प्यार और नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों का, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम सुनेंगे मीठे मीठे प्यारे प्यारे सतगुरु बाप दादा का वरदान। तो वरदान है दिल की तपस्या के द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले। दिल की तपस्या के द्वारा खुद हम तपस्या करें और खुद संतुष्टता का सर्टिफिकेट भी लें, तो ऐसा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सर्व के दुआओं के अधिकारी भव। बाबा कहते हैं कि तपस्या के चार्ट में अपने को सर्टिफिकेट देने वाले तो बहुत है। खुद ही तपस्या करेंगे और खुद ही सोचेंगे हमने आज बहुत अच्छी तपस्या की, आज हमने बहुत कमाई कर ली। खुद ही बैठते हैं तपस्या में, खुद ही खुद को सर्टिफिकेट भी देते हैं, लेकिन सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट तब ही प्राप्त होता है जब दिल की तपस्या हो। ये भी तपस्या करते हैं लेकिन अंदर में एक आस बनती है, लेकिन जब दिल से तपस्या करते तो मेरा तो एक माशुक दूसरा न कोई। सर्व के प्रति दिल का प्यार भी हो, निमित्त भाव और शुभ भाव भी हो, ऐसे बच्चे सर्व की दुआओं के अधिकारी बन जाते हैं। कम से कम 95% आत्माएं संतुष्टता का सर्टिफिकेट दे। अगर हमको संतुष्टता का सर्टिफिकेट चाहिए तो बाबा कहते परिवार के कम से कम 95% सभी आपको संतुष्टता का सर्टिफिकेट दे। सबके मुख से ये निकले कि हाँ इसमें ये नंबर वन है, ऐसा सबके दिल से दुआओं का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले ही बाप समान बनते हैं। स्लोगन है समय को अमूल्य समझकर सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे। हाँ, हम बाबा के लिए समय दें, बाबा की याद के लिए, बाबा की पढ़ाई के लिए, धारणा के लिए, सेवा के लिए, तो अगर हम समय को अमूल्य समझेंगे, उसकी कीमत समझेंगे, तो हम उसको सफल करेंगे। और जो सफल करेगा उसको समय भी कभी भी धोखा नहीं देगा, समय पर उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।